कोरोना काल में जिन्हें घर लौटने का साधन मिल गया वो तो खुशनसीब निकले, जिन्हें नहीं मिला उनकी बदनसीबी यूं सड़कों पर नजर आ रही है। ये यूपी के आगरा की तस्वीरें हैं। एक महिला ट्रॉली वाले ब्रीफकेस पर अपने मासूम को बिठाकर सफर का फासला नाप रही है। बच्चे के पांव चलते चलते जवाब दे गए थे तो माँ ने उसे अपनी ट्रॉली वाले सूटकेस पर औंधे मुंह लिटा दिया और सफर का बाकी फासला तय करने लगी। ये दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हैं। इन लोगों की श्रमिक ट्रेन में बुकिंग नहीं हो पाई तो ये पैदल चल दिए। जिनके पास रिक्शा था वो परिवार को रिक्शे में बिठाकर निकल गए। कोरोना काल में रोटी के लिए छीना झपटी, धक्का मुक्की, हर कोई अपने हिस्से में ज्यादा चाहता है, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। आज हिस्से में ज्यादा आया है, कल का पता नहीं। तस्वीर बिहार में कटिहार के रेलवे स्टेशन की है। श्रमिक एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए बोरा भरकर भोजन आया था, लेकिन ज्यादा पाने की चाहत में छीना झपटी शुरू हो गई। कुछ यात्री सबके हिस्से का खाना ले गए, जिसे नहीं मिला वो किस्मत को कोसकर खामोश रह गया, और करता भी क्या। बेबस मजदूरों की लाचारी की तस्वीर दिल्ली की है। एक साइकिल, दो मासूम बच्चे और 80 साल के बुजुर्ग पिता। सबकी मंजिलें एक, लेकिन दूर इतनी कि सोचकर कोई भी सहम जाए। लेकिन जाना है, रोजी रही नहीं, अब रोटी का संकट है। साइकिल से इन्हें झांसी जाना है। सर क्या करें, हमारे पास कोई सिचुएशन ही नहीं है कि हम किसी चीज से, किसी ना किसी कारण से गांव जाएं। जब हमारे पास कुछ पैसे नहीं बचेंगे और मकान मालिक निकालेगा तो हम कहां जाएंगे। कोरोना ने इस परिवार के हौसले को भी जख्मी कर दिया। नौकरी पर संकट, घर जाने की हसरत भी अधूरी रह गई। बिहार और यूपी के लोग रेलवे स्टेशन आए ये सोचकर कि घर जाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन आज अहमदाबाद के इस मैदान से सिर्फ राजस्थान के लिए ही बस निकली। पुलिस ने मैदान खाली करने को कह दिया। अब भारी मन से फिर वहीं लौटने को मजबूर है जहां से घर जाने के लिए निकले थे। परेशानी सिर्फ एक मजदूर और उनके परिवार की नहीं है, यहाँ सैकड़ों परिवार हैं जिनकी परेशानी एक जैसी है। ये तस्वीर गुजरात के सूरत की है। बसों की करीब 2 किलोमीटर की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सूरत से सौराष्ट्र के लिए रोजाना 1000 बसें चलाई जा रही हैं, लेकिन देश के अलग अलग शहरों में ऐसे काफी मजदूर हैं जिनके जाने का कोई साधन नहीं, लेकिन उन्हें जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।